हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम टर्टल बनाएंगे वॉल पुट्टी से। सबसे पहले हमें एक खाली बाउल चाहिए और उसमें हम वॉल पुट्टी डाल लेंगे। तो गाइस, ये हमने वॉल पुट्टी डाल ली है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से आटे की डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो गाइस, ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, डो की तरह तैयार कर लिया है। हमें इसको ऐसे ही रखना है आटे के डो की तरह, ज़्यादा पतला नहीं डो तैयार करना है। तो अब ये देखो, हमारा डो एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, स्मूथ सा। गाइस, अब हमें इसको गोल कर लेना है रोटी की तरह हाथों से। आप चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं। तो गाइस, अब हमने एकदम अच्छे से गोल कर लिया है इसको हाथों से। अब हम एक कैप लेंगे खाली और उससे टर्टल का अपर पार्ट बनाएंगे। तो गाइस, अब हम इसको पेचकस से काट लेंगे सर्कल इसका। आप चाहे तो नाइफ से भी काट सकते हैं। तो गाइस, अब हमने यहाँ पे अच्छे से काट लिया है इसको पेचकस से। अब हम एक और ऐसे ही गोल कर लेंगे रोटी की तरह और फिर उससे हम सर्कल बनाएंगे छोटे छोटे। पहले हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे सर्कल और फिर उनको कट कर लेंगे पेचकस से। तो गाइस, हमने जो ये सर्कल कट करे हैं, अब हम इनको पानी लगा लगा कर अच्छे से इसको चिपका लेंगे। गाइस, अब हम टर्टल के और बॉडी पार्ट्स बना लेंगे। तो गाइस, ये मैंने सभी बॉडी पार्ट्स बना लिए हैं और इनको 1 घंटे तक सूखने के लिए रख दिया था। तो गाइस, अब हम पानी और वॉल पुट्टी को मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट से सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से चिपका लेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने खाली टर्टल्स के बॉडी पार्ट्स बनाना सिखाया है वॉल पुट्टी से, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कलर करना सीखेंगे इसको। तो इस वीडियो के मैंने गाइस 2 पार्ट्स बनाए हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी कल तक आ जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।